कानून द्वारा सरकार द्वारा हमें दिए गए हैं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो हमारी सबसे उच्च प्राथमिकता है, हम वो सभी विकल्प हमारे पास सुरक्षित है। और मैं आपको सबको भरोसा दिला देना चाहता हूं कि हमेशा बुराई पर ही सच्चाई की विजय होती है, और अब भी होगी और आगे भी होगी। तो आप सब लोग इस बात से निश्चिंत रहें, हमेशा जो आम लोग होते हैं 100 में से 95% 95% लोग हमेशा शांति व्यवस्था चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि किसी तरह का उपद्रव हो या किसी तरह की खुराफात हो, लेकिन पुलिस की पैनी नजर उन 5% पे है जो मन में कुछ और सोच के बैठे हैं। ये बड़ा क्लियर मैसेज सभी को चला जाना चाहिए। पुलिस अपने सूत्रों के माध्यम से, प्रशासन अपने सूत्रों के माध्यम से, जो भी हमारा इंटेलिजेंस विंग है या अन्य हमारे जो रिसोर्सेज हैं, सबसे जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। मैं आपको बड़े क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूं कि यदि किसी के मन में ऐसा कोई भी भाव आएगा तो उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई इस बार प्रशासन करेगा कि शायद उसने कभी अपने मन में सोची भी नहीं होगी। जो लोग दिल में सच्चाई रखे हुए हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं, वो तो बिल्कुल आश्वस्त रहे, निश्चिंत रहे। पुलिस और प्रशासन आपकी सुरक्षा का जिम्मा ले रहा है, हमेशा से लिया है, आज भी ले रहा है। और जो इसके जो 5% जिनकी बात हो रही है, उनके विरुद्ध हम लोगों की कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और इतनी सख्त होगी, वो किसी भी तरह से हो, कहां से भी हो, कहीं इसके भी रहने वाले हो, कहीं के भी हो, कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो मेरी आप सबसे यही अनुरोध है, आज का इतना पावन त्योहार जो हमें वर्षों से यही सीख देता आया है कि बुराई पे सच्चाई की जीत, तो आज भी हम हमेशा सच्चाई शांति के साथ खड़े रहे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप सबका जो सबको मैं आह्वान करता हूं कि हमें मदद करें, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। पुलिस की वर्दी पहने हुए, प्रशासन की वर्दी पहने हुए सभी लोग आपके ही भाई हैं, सभी लोग आपके सुख और दुख में हमेशा साथ रहेंगे। और फोर्स यहाँ पर्याप्त है, किसी को किसी तरह की भी मन में बात रखने की जरूरत नहीं है। मैं एसीएम साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी प्रशासन द्वारा जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है उसके बारे में बताएं। आपसे सबसे अनुरोध है, आप शांति बनाए रखेंगे और त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री।